कोमल चलो घर चलना है, काम हो गया है। माँ अभी पढ़ाई बाकी है, थोड़ी देर और प्लीज। हाँ आंटी प्लीज थोड़ी देर। अच्छा सानिया तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? नहीं आंटी वो गर्म होगी ना, मैं ठंडी चाय पीती हूँ, मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है। अच्छा माँ आप जाओ मैं आ जाऊंगी। ठीक है। कोमल ये ले, ये तेरी गरम चाय और ये मेरी ठंडी चाय। ठीक है। थैंक यू। रियली सॉरी कोमल, रियली सॉरी। कोमल मेरे कमरे में टॉवल है, जाके चेंज कर ले। बेटा कपड़े दे दे अपने। हाँ मैं लेके आती हूँ, तू जा। ठीक है। कोमल बेटा चलो खाना खा लो। माँ ये देखो ना कितनी प्यारी ड्रेस है, सानिया की है। अब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मुझे ऐसी ड्रेसेस चाहिए होंगे ना, मुझे भी दिलवा दो ना। फिर वही बात, कितनी बार समझाया है, तू कोमल है वो सानिया है, बहुत बड़ा फर्क है तुम दोनों में। तो तेरे पापा के जाने के बाद जैसे तैसे हमारी दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, और कहाँ इतने बड़े बड़े सपने देख रही है। अच्छा ठीक है माँ, अब ये तो बताओ कि मैं कॉलेज कब जाऊंगी। हाँ तू पहले खाना खा, चल चला। हाँ वर्मा जी। अच्छा क्या बात है वर्मा जी, क्या खबर सुनाई है, सुबह सुबह मजा आ गया। अच्छा देखो मैं भी अपने वादे का पक्का हूं, जैसा कि मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैं आपका भी ख्याल रखूंगा, तो बस वैसा ही होगा। तो शाम को मिलते हैं फिर शबाब और कबाब के साथ। ठीक है चलिए बाय। करती हो ना तुम, लेकिन मुझे तुम पर बहुत तरस आता है, क्योंकि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाई। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने सालों बाद मैंने तुम्हें औरत होने का एहसास दिलाया। हाँ वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसे तुम्हारा बैड लक भी कह सकते हैं। शादी के बाद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, और कुछ टाइम बाद तो
तुम्हारी बेटी भी शादी होके चली जाएगी। वैसे काफी जवान हो गई है वो, कल देखा मैंने उसे गौर से। क्या बकवास कर रहे हो मेरी बेटी के बारे में? ये अकाउंट्स भी ना टफ सब्जेक्ट है। कुछ नहीं सुनूंगी मैं, सुना आपने? ए! ये सब क्या हो रहा है घर पे? नीचे आवाज में बात कर, तू शायद भूल रही है कि मेरे घर में खड़ी है। मेरी बीवी ने आज तक मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, तो तू कौन होती मेरे से ऐसे बात करने वाली? दो मिनट में तुझे यहां से बाहर निकालूंगा, समझी तू? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, आपके यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो भी मजबूरी थी। प्लीज मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कितनी भोली हो ना तू, तुम्हें पता है किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, और अभी तो तुम्हें एक और कुर्बानी देनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, अब मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, इसलिए तू अपनी बेटी कोमल को मेरे पास एक रात के लिए भेज दे। अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। मेरे तक सब ठीक है, मैं सब सुन सकती हूँ, सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना। और अभी के अभी मैं मैडम को जाके सब कुछ बता रही हूँ। रुक! हमने जो कुछ भी किया था उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, देखेंगे? इसको प्लीज डिलीट कर दीजिए। मेरे पास एक और वीडियो है, तेरी बेटी जवान हो गई है ना, देखेगी? उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, देख। क्यों? क्या हुआ? मैडम को फोन नहीं करेगी? मैं लगा के दो नंबर लगा जा। प्लीज कौन सी वीडियो की बात हो रही है? प्लीज डिलीट कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, सुन सुन, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कर। हाँ, तुझे शायद इंटरनेट की पावर का पता नहीं है। जब तक तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना, तब तक तेरी लंका दहन हो चुकी है। और एक बार ये वीडियो इंटरनेट पे डल गया ना, तो इसे वायरल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, समझे? अच्छा, इसीलिए पापा कोमल का एडमिशन करवा रहे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने नीचे गिर जाएंगे। सोच सोच, एक बार ये वीडियो वायरल हो गया तो तेरी बेटी कॉलेज जाने से पहले फेमस हो जाएगी। कॉलेज का, गली का हर लड़का तेरी बेटी का वीडियो देख चुका होगा। डाउनलोड द रात्रि ऐप एंड सब्सक्राइब नाउ।